Why are you not receiving any summons from Vinay Bharadwaj? He has sent you court summons. No, I don't know whether any summons has been sent. And it has nothing has come. No summons you have. No summons sir. No, he has filed a case against you and you are not receiving. I do not know. No, I am not absconding. I am not going anywhere. Any case, any summons comes to me, I am attending properly. I never received any summons. No, I get to know that your people are avoiding that summons. No. And they are not. No. No, that is not true. The person who comes with the summons has not been given the entry into the ashram. So then they will do the legal course of action, that's all legal proceeding. ये सारे सवाल जवाब स्वामी नित्यानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इस पत्रकार का नाम है अजीत कुमार और ये सुवर्णा न्यूज के संवाददाता हैं। अजीत ने नित्यानंद से उस विनय भारद्वाज के बारे में सवाल पूछा जिसने नित्यानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। अजीत के सवाल के जवाब में जब नित्यानंद ने ये कहा कि उन्हें कभी कोई समन नहीं मिला तो संवाददाता ने समन की कॉपी नित्यानंद के मंच के नीचे रख दी। इसके बाद नित्यानंद और भी भड़क गए और अपने समर्थकों से पत्रकार को बाहर करने का फरमान सुना दिया। No, I will not receive. No, he cannot come here. Please don't take it. No, it will not be accepted. No, you are not here as a legal person. You are here as a press person. Please don't allow him. Please do not allow him. You are here as a press person, not legal person. This is not the legal thing. I won't accept. It is not legal thing. No, please don't allow him. No, it is not accepted. It is not accepted. It is not accepted. Please take him out. Please get him out. It is trespassing. नित्यानंद का फरमान सुनते ही उनके समर्थकों ने पत्रकार को घेर लिया। पत्रकार को बाहर जाने के लिए मजबूर करने वालों में नित्यानंद की महिला भक्त भी शामिल थीं। सबने मिलकर वहां मौजूद पत्रकारों से धक्का मुक्की की और पत्रकार अजीत सहित सभी पत्रकारों को नित्यानंद के आश्रम से बाहर कर दिया गया। काफी देर तक ऐसे ही हंगामा होता रहा और नित्यानंद के समर्थक ऐसे ही तब तक शोर मचाते रहे जब तक कि सारे पत्रकार नित्यानंद के आश्रम से बाहर नहीं चले गए। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलोर। नित्यानंद के समर्थक हंगामा करते रहे और मना करने पर यह दलील देने लगे कि वो ये सब अपने बचाव में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया से बदसलूकी का विरोध करने गए एक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। आपको दिखाते हैं कैसे नित्यानंद के समर्थक आधे घंटे तक बदसलूकी और मारपीट करते रहे। मीडिया ने जब अपने साथ हुई बदसलूकी का विरोध किया तो नित्यानंद के समर्थक धक्का मुक्की करने लगे। इतना ही नहीं, नित्यानंद की महिला समर्थकों ने पत्रकारों पर तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले नित्यानंद के समर्थक ये दलील देने लगे कि वो ये सब अपने बचाव में कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि वहां खतरा नित्यानंद के समर्थकों को नहीं बल्कि मीडिया वालों को था। He is an insecure element on my campus. I have a right to my self-defense. I also know what to do. If somebody attacks me, you are not going to save me. I have to save myself. पत्रकारों को आश्रम से निकालने के बाद भी नित्यानंद के समर्थकों का गुस्सा कम नहीं हुआ। देखिए नित्यानंद का ये समर्थक कैसे मीडिया को दोषी ठहरा रहा है। Mind your tongue. You are the creator of all the people. Shut your people. You record everything. नित्यानंद के समर्थकों ने मीडिया से तो बदसलूकी की ही, इस बदसलूकी के खिलाफ प्रदर्शन करने गए कर्नाटक नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को भी जमकर पीटा। ये मारपीट और हंगामा बेंगलोर से 35 किलोमीटर दूर बिदड़ी में मौजूद स्वामी नित्यानंद के आश्रम में हो रहा है।
कर्नाटक नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने आश्रम पहुंचकर नित्यानंद के पोस्टर फाड़ दिए और आश्रम में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान नित्यानंद के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में कर्नाटक नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता घायल भी हो गए। ये पूरा ड्रामा तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। अब स्वामी नित्यानंद ने एक निजी चैनल और कर्नाटक नवनिर्माण सेना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि चैनल और कर्नाटक नवनिर्माण सेना ने नित्यानंद के खिलाफ बदसलूकी की शिकायत की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। टी राघवन, इंडिया TV, बेंगलोर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे RSS ने आडवाणी पर कैसी पाबंदी लगाई है।